पहले तो मैं सोच रहा था कि ये वीडियो जितना हो सके उतना मैं शॉर्ट में बना दूं, लेकिन फिर नहीं हो पाया ये, क्योंकि इसकी मेरे को जो है रिकॉर्डिंग ज़्यादा करनी पड़ रही है। वैसे मेरे को डीसी के जो अभी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं रिसर्च कर रहा हूँ और एक एक करके सबके बारे में बता दूंगा अगर सब कुछ ठीक रहा मेरा। तो अभी चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो जेम्स गन ने फाइनली 31 जनवरी 2023 को डीसी की स्लेट अनाउंस कर दी। इसमें उन्होंने डीसी के फ्यूचर के कुछ प्लान्स बताए हैं। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि जैसे मार्वल वाले अपने जो यूनिवर्स है, अपने यूनिवर्स को मार्वल वाले सागा में डिवाइड करते हैं, वैसे ही डीसी वाले अपने यूनिवर्स को चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे। 31 जनवरी को उन्होंने अपने यूनिवर्स के पहले चैप्टर का अनाउंसमेंट किया है। इसको उन्होंने नाम दिया है चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स। जेम्स गन ने बताया कि इस चैप्टर में टोटल 10 प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। मतलब कि प्रोजेक्ट्स तो काफी ज्यादा होंगे, लेकिन इस टाइम पे अभी उन्होंने सिर्फ 10 प्रोजेक्ट्स को ही लॉन्च किया है। मतलब इस टाइम पे उन्होंने सिर्फ 10 प्रोजेक्ट्स के बारे में ही बताया है। और इन 10 प्रोजेक्ट्स से पहले जो मूवीज पहले की हमें पता है डीसी की तरफ से जो कि आएंगी, जिनमें से एक है शज़ैम, एक अपनी फ्लैश, एक्वामैन 2 और जो भी 3 या 4 कुछ करके मूवीज हैं, ये जो है वो तो आएंगी। इनके आने के बाद जो है अपना डीसी रिबूट हो जाएगा। सीधा कहूँ तो उन्होंने जैसा कि कहा था, फ्लैश मूवी में जो है डीसी का पूरा यूनिवर्स रिबूट हो जाएगा और शज़ैम जो है वो फ्लैश में जाके कनेक्टेड होगी। इनका क्या फंडा है मेरे को नहीं पता, पर इतना जान लो कि फ्लैश के बाद जो है ये यूनिवर्स इनका रिबूट हो जाएगा और उसके आगे तुमको देखने को मिलेगा डीसी का चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स। इसमें जो 10 प्रोजेक्ट जेम्स गन ने अनाउंस किए हैं उनमें से एक है एनिमेटेड टीवी सीरीज, 4 लाइव एक्शन टीवी सीरीज और 5 मूवीज। बताया तो ऐसा जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने अनाउंस करे हैं ये डीसी के अगले 10 साल का फ्यूचर प्लान है। तो इन 10 प्रोजेक्ट में सबसे पहले एनिमेटेड टीवी सीरीज जो है वो है क्रिएचर कमांडोज। इसके बाद लाइव एक्शन टीवी सीरीज है वॉलर, जिसमें वॉलर की कहानी आगे दिखाई जाएगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे है मूवी सुपरमैन लेगेसी। चौथे नंबर पे लाइव एक्शन टीवी सीरीज लैंटर्न, जो कि इनके लिए काफी पार्ट होने वाला है। क्यों होने वाला है मैं आगे बताऊंगा, मतलब किसी और वीडियो में। इसके बाद नंबर 5 पे आती है एक और मूवी द अथॉरिटी। नंबर 6 पैराडाइज लॉस्ट, जो कि एक लाइव एक्शन टीवी सीरीज है। इसके बाद नंबर 7 पे एक और फिल्म द ब्रेव एंड द बोल्ड, ये फिल्म होगी बैटमैन के ऊपर, जिसमें हमें बैटमैन और उसके बेटे की कहानी बताई जाएगी। बैटमैन के बाद नंबर 8 पे आती है एक और लाइव एक्शन टीवी सीरीज बूस्टर गोल्ड। इसके बाद नंबर 9 पे है सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो, जो कि एक मूवी होगी। और फाइनली नंबर 10 पे एक और मूवी स्वैम्प थिंग्स। अभी डीसी के बारे में मेरे को ज्यादा कुछ तो नहीं मालूम, लेकिन रिसर्च अपनी चल रही है और जहां तक मेरा प्लान है मैं इनके ऊपर शायद सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, तो बने रहो। ये वीडियो मैंने जल्दी जल्दी में बनाया है तो प्लीज कमेंट में गालियां मत देना। सो बाकी वीडियो पसंद आई नहीं होगी, पर फिर भी अपना बोलना काम है। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक 2 शेयर 2 कमेंट्स में हगो और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में।